हम लोग करने जा रहे हैं 24 आवर लिविंग लाइक अ देसी गर्ल चैलेंज। सो गाइस आज हम लोग उसमें क्या क्या करेंगे पूरे 24 घंटे में, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा। सो देखते हैं कि आप लोग आज क्या क्या करेंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पियेंगे और क्या कपड़े पहनेंगे। सो मेरे को तो अभी यही लग रहा है कि मैं वो कपड़े नहीं पहन पाऊंगी 24 आवर, क्योंकि शलवार कमीज की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, शर्ट की आदत है, पजामा की आदत है। सो अभी मैं होके आती हूँ रेडी अपना देसी लुक लेके और अपने बाल बांध के। सो मिलते हैं आपको उसके बाद। हो गई है रेडी आज के व्लॉग के लिए। यस गाइस आप लोगों की देसी गर्ल हो चुकी है रेडी। इनका फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, ये इनका पूरा फुल लुक है। गाइस सुबह सुबह लस्सी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे चाय की आदत है और अभी यकीन करें सुबह के 9 बज रहे हैं। सो हमें अभी इसी को पीना पड़ेगा। सो सबसे पहली चीज ही मैंने आपको बताया बिना रहा नहीं जा रहा, ये लस्सी ही सही नहीं बनी, ये लस्सी है। लस्सी काफी टाइम से ना तुम जानते मैंने लस्सी टेस्ट नहीं करी, बट लस्सी ऐसी तो नहीं होती होगी, हमारे घर में कोई पीता नहीं है शायद, जिस वजह से बनानी नहीं आई जिसने बनाई। लाइक जरा मुझे चेक करा। हाँ अभी सोनिया एप्लीकेशन दे दी, नसरीन ने बनाई है। नहीं सही ऐसी होती है पर है थोड़ा सा शुगर कम है। चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, पराठा और अचार। पराठा तो मैं वैसे ही डेली बेस पे भी खाती रहती हूँ, पराठा अक्सर खाती हूं। फिर भी मोटी नहीं हो रही। जो है वो भी खत्म हो जाए। गलत बात है मेरे चैनल में ये बात है। चलो अच्छा जल्दी से खा के दिखाओ। अचार पराठा भी मैंने शायद खाया नहीं कभी, टेस्टी नहीं किया अचार पराठा, अचार बदतर खानों के साथ। जिंगर बर्गर पता है क्या होता है? नहीं पता मुझे क्या होता। तो हम टेस्ट करेंगे अपना पराठा और अचार। तो मुझे भी भूख लगना शुरू हो गई पर मैं ये नहीं खाती। मैं खाती तो मैं भी नहीं, नहीं मतलब मैं खाती हूँ पराठा और ये सब, पर दाल वाल कुछ होनी चाहिए या सब्जी। सही है बट इस टाइम के हिसाब से बिल्कुल नहीं। तुम डेली नहीं खाती? हाँ। अरे छोड़ो। अरे छोड़ो मैं ही खा लेती हूँ बैठ के, वैसे ही खाना तो खा लो। कुछ लोगों को खाना नहीं है तो हम ही खा लो। लस्सी पी लो पराठा मेरे लिए। लस्सी अच्छी होती है अगर आपको नहीं पता तो। हाय रब्बा लस्सी। माशाल्लाह अच्छा मजे की लस्सी मैंने तो पी ली। सो गाइस तो खाए ना खाए सबका अपना पेट जरूर जाएगा, इन्हें पसंद आना चाहिए था इनका चैलेंज है खाना, हमें क्यों आता है अगला। मैं अचार पराठे से बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है। वैसे तुम दोनों इतनी देर से कहाँ थी? हम लोग गली में वहाँ पे थे पास। मैंने अपना नाश्ता कर लिया है कम्प्लीट, कैन के डन, बट मैंने ये अपना पराठा और अचार कम्प्लीट नहीं किया है और ये साथ ये भी मैं सोच रहा हूँ कि पूरा पराठा मैंने खाया कि मैं यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बुक और वही है जो आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। अच्छा अब आप ये तो नहीं खा रही ना? नहीं तो ये काकू जवाब क्यों भी करा और उन्हें अचार पराठा बहुत ही पसंद, बहुत ही ज्यादा पसंद। यस तो वो थोड़ा मतलब देसी है वो भी। ये मैं तुम्हें बाद में भी बता सकती हूँ। अरे बात की है तो मेरे व्यूअर्स को वेट मत कराओ, जल्दी से बताओ। हाँ ये मैं बता देती हूँ, चलो अगर मरवा मेरी बहन इतनी रिक्वेस्ट करी तो मैं बता ही देती हूँ। ये मैंने ये वाला सूट मैंने सोचा कि बुटीक से पहना है। यस गाइस टू मच प्रिटी, और मैं भी ऐसा लूंगी। यस तो ये मेरा आज से फेवरेट सूट है, बट मैं 24 आवर इसको तो नहीं पहन के रख सकती,
हाँ ये चैलेंज आपकी वजह से तो मैंने गाइस इतना प्रीटी है ना तो मैं तो पहन सकती हूँ 24 आवर्स क्या पूरे साल पहन सकती हूँ मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं और अगर आपको ये दूसरा अगर देसी चैलेंज पार्ट टू चाहिए और मुझे चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा मुझे नहीं चाहिए अगर मैं इनके इनके बोल बता दूँ कहना चाहिए अगर ये भी ऐसा चैलेंज करें आप चाहते हैं तो प्लीज चलो बोलने में मिस्टेक हो गई पर मुझे तो चाहिए आप लोगों को मैं जानती हूँ मेरा तो चाहिए ही होगा तो जल्दी कमेंट में ऐसा कुछ नहीं चाहिए आज है अमीना का टॉप आइए ब्लॉग करने का अमीना लगाएगी झाड़ू पेस्ट पिंक के होगा हमारे घर का तो नर्सरी यूज करेंगे बट आज करेगी सिमर ये तो आज आप लोग अपनी फ्रेंड को देखेंगे झाड़ू के साथ तो चलो झाड़ू लगाते हैं तो चलिए गाइस मैं गाने बज जाती हूं मैं इस पट्टी के साथ लगाऊंगी झाड़ू मैं गाने बज जाती हूं ये ससुराल जाके खूब पिटेगी खूब पिटेगी ये देखना जरा पोछा किस तरह लग रहा गाय हाथों से लगा भाई देखो दाल चावल खाने के दाल चावल देखने में बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हैं और दाल चावल मैं खाती नहीं तो खाते हैं हमने अपने दाल चावल और मुझे हाथों से खाना पड़ेगा क्योंकि ये देसी चैलेंज है ना गाइस तो खाते मैंने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसी है ये हमारे पास में अचार ब्रेकफास्ट से तो बेहतर है लंच अपना लंच फ्रेश करती हूँ मिलते हैं आपसे की टाइम पे अब उठ जाओ बहन टाइम हो गया उठ जाओ अल्लाह नहीं कसम इतना दाल चावल क्या आलस मार के सो गई चलो उठो आगे टास्क करना 4:05 बज रहे लाइक बस 4 बज रहे मत के उठ जाओ और मरवा सफा स्किन ने जो लंच ला वो टी टाइम स्नैक्स लाई है वो तो है खतरनाक सो गाइस बज रहा है 5 और अब मेरा हो रहा है टी टाइम मेरे पास है टी वो भी देसी टाइप की बनाई है नसरीन है और ये पकौड़े जो लाई है मरवा चिंता पराठा लाई है सफा तो दोनों ही चीज़ें मेरी फेवरेट है यानी कि टी टाइम है मेरा लवली गाइस यहाँ पे मेरा बताना चटनी जो लाया है बेचारे जवाहरलाल उन्होंने कहा था मत दिखाना मुझे क्योंकि उन्हें शर्म आती है कैमरे से इस वजह से ना उनकी काट देंगे उनको लाते हैं और ये स्पेशल पंजाबी खाते हैं इसमें कुटी मिर्चों का ये रायता कह सकते हैं अच्छा चेहरा हम अपना थोड़ी टेस्ट होते हैं ये थोड़े सॉफ्ट है ऐसा लग रहा है तेल में नहीं है ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज़्यादा है बहुत ही अच्छी वाइन ब्रांड हल्के हल्के से स्पाइसी भी हो रहे हैं और इसमें और ये बहुत है जो मेरे फिंगर्स को भी लगते हैं जी आई तो बोलती थी कि सॉफ्ट है अब हम खाएंगे तीन का पराठा जवाहरलाल ने इस चटनी में भी मक्खन अब हम ट्राई करेंगे इसको खाने आप भी थोड़ा सा बिल्कुल देसियों की तरह क्या आप लोगों को
यहाँ देखो जानबूझ के बैठे कैमरे में आने के लिए। इन लोगों को आप इग्नोर किया करें, आप लोग अपने सिमरन को देखें, आज के लिए तो सिमरन ही हूँ मैं। बाकी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बात ये है गाइस, पहले आप प्रॉमिस करें आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे गाइस। सो गाइस वो बात ये है कि 24 लिविंग देसी गर्ल चैलेंज है वो गाइस, मैं सिमरन को पाऊँ आपकी बहन से नहीं हो पाए। सो गाइस ये चैलेंज हम करते हैं यहीं इसके। सो गाइस आज का चैलेंज होता है यानी खत्म, और अब मैं जा रही हूँ सोने, और मैं रात को खाना मेरी मम्मी के जो जवाब लाने वो बनाने जा रहे थे फिंडे, लेकिन मैंने उनके हाथ में काट के रख दिए कोने पे कि ऐसा खाने पा रहा है या नहीं बनेगा। सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और लव यू ऑल। और गाइस कमेंट में लिख देना अगर मेरा चैलेंज चाहिए, और लाइक करें, शेयर करें, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और आज का दिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए हार्ड फुल, और मैं अपनी वापस से लाइफ में जा रही हूँ एक नॉर्मल सा अपना पजामा ट्रैक पहने, बिकॉज ये गाइस आप भी नहीं पहन सकते रियली। मैं आपको बता रही हूँ हम जो लड़के हमसे नहीं हो पाए गए, ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा बेकार आइडिया था चैनल, वैसे अगर मेरा लोग देख रहा हो यू लाइक देसी गर्ल, सो मुझे बहुत मैं इन्हीं कपड़े में 24 बहुत ही ज़्यादा बकवास आइडिया था। मैं आपको बता रही हूँ ऐसा कोई नहीं करेगा, गाड़ी में लिख देना प्लीज, ठीक है गाइस। तो आज का लोग करते हैं मेरी खत्म, और आज मेरा बहुत हार्ड दिन गुजरा है कि माने मैं उनके पर फखर कर रही हूँ जो लड़के ऐसे रहते हैं जो कि आए भाग के अंदर ही शलवार कमीज पहन कर सकते हैं। बाय।